अन्नामोड़ चनकापुर क्षेत्र में आज सुबह 9:30 बजे के दरमियान ट्रक ने साइकिल चालक को कुचलकर घटी दुर्घटना में साइकिल चालक की मौके पर ही मौत हुई। सदर घटना खापरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत घटी इस हादसे में संपूर्ण परिसर में अन्नामोड़ अतिक्रमण हटाने का माहौल बन गया। अतिक्रमण और रोड पर पड़े गड्ढे की वजह से दुर्घटना होने की चर्चा आम जनता और राज्य के लोगों में हो रही थी। मिली जानकारी के अनुसार बिहारी थगई राजभर उम्र 69 मिलन चौक चनकापुर ऐसा मृतक का नाम बताया जा रहा है। उसी प्रकार ट्रक चालक का नाम सैयद फकरुद्दीन झादा 59 छिंदवाड़ा है। सदर हादसे में ट्रक क्रमांक MH34AV0974 कोयला भरकर अन्नामोड़ पेट्रोल पंप डीजल भरने जा रहा था। उसी दरमियान विपरीत दिशा से मृतक सिल्लेवाड़ा से मिलन चौक घर की ओर सामान लेकर जा रहा था। अचानक मृतक की चप्पल साइकिल में फंसने से साइकिल का बैलेंस बिगड़कर मृतक ट्रक के पहिए में गिर पड़ा। उसके ऊपर से ट्रक का चक्का जाने से शव चेंदा मेंदा होकर दोनों चक्के के बीच फंस गया। खापरखेड़ा पुलिस को अन्नामोड़ दुर्घटना होने की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस कैलाश पवार, पुलिस नायक दीपक रेवतकर, पुलिस उपनिरीक्षक राजेश पीसे, महिला सिपाही उर्मिला शिंदे आदि पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों के भीड़ को हटाकर ट्रक में फंसे शव को निकालकर शव पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेयो अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि अन्नामोड़ चौक में चनकापुर जाने वाले मार्ग पर गड्ढे और भारी वाहनों की पार्किंग ही मृतक को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। मृतक घर से आते वक्त अन्नामोड़ पर एक चार पहिया सब्जी की गाड़ी निकल रही थी। उसी वक्त मृतक मिलन चौक की ओर जाते समय ट्रक आया और ट्रक ऑटो के बीच से मृतक जाने लगा तो मृतक की चप्पल साइकिल के पीछे पहिए में फंसकर बैलेंस बिगड़ने से ट्रक की ओर गिर पड़ा, जहां ट्रक की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सदस्य राहुल तिवारी, पोटा के सरपंच पवन ध्रुवे और पुलिस कर्मियों ने ट्रक में फंसे शव को निकालकर शव के टुकड़े टुकड़े जमा किए। मृतक वेकोली सिल्लेवाड़ा कोल माइन से रिटायर हुए हैं। वह अपनी पत्नी के साथ मिलन चौक चकनापुर पर रहते थे। उनके दो लड़के और दो लड़कियां हैं। दोनों लड़के पोटा तट्टा लाइन वार्ड नंबर 5 में रहते हैं। ये घटना हुई है ये रोड की वजह से। वो आ रहा था इधर से, घटना के अनुसार जिस तरह हमने गाड़ी में देखे इनको आते हुए, वो आ रहा था ये साइकिल, वो बैलेंस नहीं है रोड पे गाड़ी, उसके ये गड्ढा था, गड्ढे में पैर फंसा से उसको पैर नहीं पूरा, पैर अनबैलेंस हुआ, गड्ढे में पैर पड़ा, वो गिर गया। आज जो सुबह घटना हुआ अन्नामोड़ पे, बहुत दुर्दैवी घटना था, बहुत दुखद घटना था। जिस तरीके से ट्रक के नीचे वो एक 50-55 करीब वर्ष का बुजुर्ग इंसान फंसा रहा और काफी जिस तरीके से उसका मौत हुआ, एक दिल दहलाने वाली घटना थी। इसके पूर्व भी ग्राम पंचायत कोटा चनकापुर के सरपंच माननीय पवन भाव ध्रुवे, वो हमने इस चौक को पूरा अन्नामोड़ चौक को खाली किया ताकि यहाँ पर लोग जमा ना हो, की गाड़ियाँ मुख्य मार गई है। लेकिन कुछ लोगों का हुआ कि सब्जी भाजी वाले, बाकी अन्य जो लोग वहाँ खड़े रहते हैं उनका धंधा होना चाहिए, लेकिन जान से बढ़कर धंधा नहीं है। मेरा कहना है कि चौक छोड़ करके, चौक खाली करके जहाँ जिसको धंधा करना, जिस गली में जाना चाहे, लेकिन चौक पर धंधा बिजनेस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, जिसके कारण किसी की जनहानि ना हो। इसके संदर्भ में हमारे कोटा के सरपंच पवन भाव ध्रुवे ने भी कई बार पत्र व्यवहार किया हुआ है। मैंने भी पंचायत समिति के माध्यम से ठहरा NHAI को और SP साहब को भी दिया हुआ है कि अन्नामोड़ से लेकर मिलन अन्नामोड़ से लेकर के जो चौकी है खापरखेड़ा तक का जो फुटपाथ पे गाड़ियाँ और दुकानें जो लगी रहती है तो खाली किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि एक रक्षाबंधन के समय एक लेडी का जो घटना हुआ था, बहुत दुर्दैवी घटना था। उस तरीके का घटना जो आज के जैसा घटना दोबारा किसी का ना हो, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, तहसीलदार से मांग करता हूं कि पूरा रोड खाली होना चाहिए, फुटपाथ पर अतिक्रमण बंद होना चाहिए। NBCN न्यूज़ के लिए अरुण महाजन के साथ दिलीप गजभिया की रिपोर्ट।